सीवर भाई सवाल हमारा एक जवाब बताइए, बीजेपी ही आएगी और बीजेपी अब वोट भी बीजेपी को ही देंगे। अरे दादा, दादा किस मुद्दा क्या दादा का आ? विकास। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ उमर अदीस और आप देख रहे हैं यूआर अदीस। आज हम आए हैं जैनपुरा इलाके में और छमानी पे, और यहाँ पे हम जानेंगे लोगों से कि जो शबे बारात और होली एक साथ पड़ी है इसमें क्या कोविड-19 का जो भी गाइडलाइंस है उसका पालन किया जा रहा है, और जो दोनों त्यौहार साथ में पड़े हैं उसमें क्या हिंदू मुसलमान साथ में मिलकर दोनों त्यौहार मना रहे हैं, यहाँ की पब्लिक से जानेंगे। और हमारे साथ इंडियन यूथ फाउंडेशन के मकबूल अहमद मौजदीदी भी जुड़ चुके हैं, और इनसे भी हम जानेंगे क्या कि क्या गाइडलाइंस गवर्नमेंट द्वारा तय की गई है और क्या यहाँ की पब्लिक द्वारा उसका पालन किया जा रहा है। सबसे पहले आपसे एक सवाल कि आपको पता है कि होली और शबे बारात एक साथ दोनों पड़ गए हैं इस बार, और जैसा कि माना जाता है कि ये भारत देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश माना जाता है, सब आपस में भाई भाई हैं, तो क्या इस त्यौहार पे भाईचारा दिख रहा है? बिल्कुल भाईचारा दिख रहा है, सभी लोग अपने अपने तरीके से पूरी तैयारियों में लगे हैं, और जो कोविड-19 है इसका भी जो गाइडलाइन है उस हिसाब से सारे कार्य हो रहे हैं। और हम लोग बनारस में हैं और काशी जो है गंगा जमुना तहजीब से जाना जाता है, और हम लोग एकदम मोहब्बत के साथ एकता के साथ एक दूसरे को गुलाल लगाकर हम ये त्यौहार मनाएंगे और हर साल ऐसे ही मनाते रहे हैं। तो क्या गाइडलाइंस क्या है गवर्नमेंट की, जो भी गाइडलाइंस है क्या उसका पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? देखिए गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस है उसका तो पूरा पालन हो रहा है, कहीं भी सामूहिक कार्यक्रम पर पूरी तरीके से रोक है, सामूहिक कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं, और रात 9 बजे से जो 9 बजे के बाद जनता कर्फ्यू के जो अभी आदेश जारी हुए हैं तो जल्द से जल्द बारात जो है निकालने की, और क्या जल्द से जल्द लोगों को जो कब्रिस्तान पे फातिहा पढ़ने जाते हैं उन लोगों को जल्द से जल्द अपने घर लौटने की ये पूरी कोशिश है, और यही गाइडलाइन है कि सब लोग अपने समय के 9 बजे से पहले सारे काम को निपटा लें, और उम्मीद है और हम लोग पूरी तरीके से सभी लोग निभाएंगे पूरा त्यौहार और एकता के साथ एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर हलवा खिलाकर और गुजिया खिलाकर। चलिए आइए जानते हैं और लोगों से भी, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि होली किस तरीके से मनाई जा रही है। आइए कुछ दुकानदारों से भी सवाल करते हैं जी। एक सवाल आपसे ये करना था कि होली की कैसी तैयारी चल रही है? बहुत फीकी चल रही है। फीकी चल रही है यानी कोविड के इस दौर में इसलिए फीकी चल रही है या बिजनेस नहीं चल रहा है? बिजनेस और कोविड दोनों दोनों ने जान ले ली है, लेकिन कोविड को देखते हुए उसका पालन तो करना पड़ेगा ना? हाँ ठीक है, लेकिन वो तो करना पड़ा, बिजनेस बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है। किसको किसका दोष इसमें किसका है, गवर्नमेंट का है या फिर किसका दोष? गवर्नमेंट का है, इतना टैक्स वगैरह लगा दिया नया नया रोज नियम व्यापारियों को, उससे बहुत परेशान है लोग। तो इसका हल क्या है, कैसे इस सारा सॉल्यूशन इसका कैसे भाई? टैक्स कम करे, सुविधा ज़्यादा बढ़ाओ, व्यापारी छोटे छोटे व्यापारी का टैक्स छोटे छोटे जो है उनको टैक्स से डायरेक्ट जो 1500 का रोज कमा रहे हैं तो उन लोग को तो एकदम हटा देना चाहिए कि अपना धंधा कर सके। चलिए आपने बिजनेस की बात निकाल दी तो आपसे एक राजनीति पर भी सवाल कर लेते हैं। बंगाल में चुनाव हो रहा है, इसके बाद यहाँ का भी चुनाव है, बंगाल में दीदी या दादा कौन है? भाई जो आपके टीवी के हिसाब से तो इस समय तो बीजेपी आ रही है। लेकिन आप किसकी साइड है? और फिलहाल नहीं, हम लोग तो भाई मोदी ईमानदार है, सब है, तो थोड़ा तो ये है कि आदमी तो सही है पर उनकी जो नीचे वाले सब चोर है। मोदी ईमानदार है फिर भी पेट्रोल डीजल 95 के पार चल रहा है। नहीं मेन तो यही सबसे हो सकता है कि गड़बड़ हो, महंगाई से बहुत त्रस्त पब्लिक है। अभी 100 रुपया किलो रिफाइन रहा 6 महीना पहले, आज 150 हो गया, इससे पब्लिक बहुत परेशान है। हो सकता है कि इसके बाद जो योगी का भी चुनाव हो काफ़ी फर्क पड़ सकता है। तो वहाँ की जनता परिवर्तन कर रही है तो यहाँ की जनता क्या करेगी? अरे अभी तो साल भर ही बड़े योगी और मोदी बड़े दिमागदार है, उस समय बाजी पलट देंगे, जो आज महंगाई है जो सिस्टम है बहुत सही कर देंगे। चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आगे भी फिर बात करेंगे कभी। यहाँ पे देखिए, ये देखिए बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर लग रहे हैं। तो आपसे राजनीति की बात करेंगे, राजनीति की बात ये करेंगे कि बंगाल में चुनाव हुआ है
पहले फेस का हुआ है, अभी और भी फेस होने हैं, उसके बाद 22 में यहाँ की बारी आएगी। वहाँ पे कौन जीत रहा है, दीदी या दादा? अरे दादा। दादा किस मुद्दा क्या दादा का? विकास। विकास क्या विकास हुआ है? 95 रुपया डीजल चल रहा है, पेट्रोल चल रहा है, 150 के पार सरसों का तेल चल रहा है। क्या जो इतना जो हो रहा है विकास, तो थोड़ा तो महंगाई होबे करेगा। आ? तो मतलब कि मैं जनता से चूस कर विकास किस चीज का? थोड़ा तो कष्ट सहना। 60 से लेकर 95 चला गया पेट्रोल, 100 से लेकर 150 सरसों का तेल, 30,000 से 50,000 के बाद सोना, कहाँ करें? सोना हम लोग पहनेंगे। कौन पहनेगा? सोना हम लोग पहनेंगे। बात विकास, पांच काम बताइए जो मोदी जी ने सही किए। हाँ, विकास हमारा और आपका हो रहा। विकास किया, आप कह रहे ना विकास किया, पांच काम गिना लीजिए। अरे रिंग रोड बन रहा है, आए हर जगह देखिए सड़क बन रहा है, आए यह कहाँ बना हुआ है। अभी सुबह में वो जैतपुरा रोड बना है, अभी थोड़ा से बाकी है। सीवर भाई सवाल, हमारा एक जवाब बताइए, बीजेपी ही आएगी और बीजेपी का वोट भी बीजेपी को ही देंगे? तो भैया बीजेपी को देंगे, मुद्दा कुछ भी को ही देंगे। हाँ, काम दिखाई दे रहा है, काम दिखाई दे रहा है। जनता जनता को काम दिखाई, जनता काम दिखाई दे रहा है। 95 रुपया तेल चल रहा है, 150, ठीक है ठीक है। भैया होली और शबे बारात का त्यौहार कैसा चल रहा है? ये तो ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। यानी दोनों हिंदू मुस्लिम भाई जारा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अभी तो फिलहाल दिख रहा है। यानी आगे उम्मीद क्या है, नहीं दिखेगा क्या? दिख तो रहा है, अब होगा अच्छी तरह से। तो अभी क्या गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है? जो भी सरकार द्वारा गाइडलाइंस की गई है कि इस ये नहीं किया जाएगा, ये नहीं किया जाएगा, तो क्या उसका पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा? अभी तो गाइडलाइन रात को है, बहुत जगह नहीं लगाना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है, तो क्या वो किया जा रहा है या नहीं? अभी तो फिलहाल तो चल रहा है जैसे। आपका नाम क्या है? विक्की विक्की नाम है। तो होली यानी आप मनाएंगे, गुलाल वगैरह कब मनाएंगे? कल होली है। चलिए ठीक है, तो राजनीति में थोड़ा बात कर लें, जानकारी नहीं है। अच्छा ये बता दीजिए, बंगाल में दीदी या दादा? अब तो बंगाल वाले बताएंगे ना। चलिए बहुत लोगों से हमने बात की, आइए एक भाई और वहाँ पे खड़े हुए उनसे बात कर लेते हैं। नाम भाई? प्रखर गुप्ता। होली कल है? हाँ है। मनेगी धूमधाम से? क्यों नहीं मनेगी, वो धूमधाम से मनेगी। कोविड-19 का पालन करते हुए या नहीं पालन करते? नहीं, कोविड-19 का पालन करते हुए। मास्क लगा के होली खेला जाएगा? नहीं, मास्क लगा के नहीं होता, खेला जाएगा। सही है। तो होली और शबे बारात एक साथ एकदम। तो मुस्लिम भाईचारा उठाना इस बार? हाँ जरूर, क्यों नहीं। राजनेताओं के बहकावे में नहीं आना? नहीं नहीं, एकदम नहीं आना है। आप हिंदू मुस्लिम को बांट दिया जाए और वोट बैंक बना दिया जाए? हाँ नहीं, ऐसा नहीं करना, एकदम होली भाईचारे के साथ खेलना है, मजे से होली धूमधाम से मनाना है बस। एक दूसरे को गुजिया खिलाएंगे और गुलाल लगाएंगे, हलवा खिलाएंगे, इसी में भाईचारा दिखाना है। आप देख रहे हैं यू आर रदीश, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल यू आर रदीश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।